हर इंसान चाहता है कि उसके दांत अच्छे और सुंदर दिखे, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दांतों की अहम भूमिका जो है। आज के समय में अपने दांतों को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब आपको अपने दांतों के लिए एक अच्छा डॉक्टर मिले। और अच्छा डॉक्टर आपको तभी मिल सकता है जब आपको डॉक्टर के बारे में पूरी जानकारी हो। न्यूज वर्ल्ड इंडिया डॉक्टर स्पेशल के हर एपिसोड में एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराता है जो आपके स्वास्थ्य के प्रति आपकी समस्याओं का समाधान करे। इस बार हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं डॉक्टर गितिमा खन्ना और विक्रम खन्ना से। अगर डॉक्टर गितिमा की बात की जाए तो उन्होंने BDS MDS की हुई है और ये चाइल्ड डेंटिस्ट है। वहीं डॉक्टर विक्रम खन्ना ने BDS MDS FAGE MIDA PG DCR किया हुआ है। इसे लेकर उनसे बात की न्यूज वर्ल्ड इंडिया की सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट पारुल त्यागी ने। आपकी खूबसूरती में चार चांद आपकी मुस्कुराहट से लगती है, और आपकी मुस्कुराहट के लिए दांतों का एक अहम रोल होता है। अगर टूथ का साइज हिसाब से सुंदर हो तो आपका फेस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बन सकता है। आज के समय में डेंटिस्ट बनना बहुत बड़ी बात है, और भारत में डेंटिस्ट को काफ़ी आदर और सम्मान भी दिया जाता है। आप भी डेंटिस्ट बनकर अपना भविष्य को उज्ज्वल बना सकते हैं, जैसे डॉक्टर गितिमा और विक्रम खन्ना ने किया है। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं उनके सफर के बारे में। सबसे पहले मैम और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पे। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी, आप दोनों ने अपनी स्टडीज़ कहाँ से की, आपके मन में ख्याल कैसे आया कि आपको डेंटिस्ट बनना है? देखिए, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी, जैसे आपने पहले ही इंट्रोडक्शन दिया, यू वेरी ट्रू दैट दांतों का बहुत बड़ा रोल है हमारे स्माइल में। सो स्माइल को ब्यूटीफुल करना एक डेंटिस्ट का काम होता है। एंड आई वुड से इन द बिगिनिंग आई ऑल्सो हैड अ इंक्लिनेशन, मैं चाहती थी कि मेरी भी स्माइल अच्छी लगे। एज अ गर्ल एवरीबडी वॉन्ट्स दैट, बट मेरे दांतों में भी कुछ प्रॉब्लम्स थे। नेचुरली आई हैड मिसिंग टीथ, सो आई वॉन्टेड कि मेरे भी दांत सुंदर कैसे लग सकते हैं। और मैंने बहुत सारे डेंटिस्ट को भी दिखाया बचपन में, और उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं भी इसी फील्ड में चले जाऊँ, मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। सो वहाँ से आई थिंक एक इंक्लिनेशन हुई मुझे, एंड आई बिकेम अ मेडिकल स्टूडेंट। तो मुझे लगा कि मैं सिर्फ MBBS की तरफ ना जाते हुए डेंटिस्ट बन के दिखना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे हमारे फैमिली में डॉक्टर्स हैं जो MBBS MD हैं, पर कोई डेंटिस्ट नहीं है। तो मैं चाहती थी कि मैं डेंटिस्ट बनूँ, इसलिए मैंने स्टार्ट किया। और मैंने अपनी पढ़ाई BDS की है, ITS CDSR मुरादनगर में है वो, और मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया श्री बांके बिहारी डेंटल कॉलेज से, NH24 में है वो। सो ये मेरा सफ़र रहा है, और बहुत अच्छे से हमने जितना जी जान से कर सकते हैं कोशिश तो वही की है, एंड लेट्स सी आगे क्या होता है। जी सर, आपने कैसे शुरू किया? मैंने अपना ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल स्टडीज़ एंड टेक्नोलॉजीज मोदी नगर कादराबाद से किया है, और अपना पोस्ट ग्रेजुएशन श्री बांके बिहारी डेंटल कॉलेज से किया है। ओके मैम, एज आप चाइल्ड डेंटिस्ट हैं, सो हाउ इज इट इम्पोर्टेंट टू मेंटेन ओरल हाइजीन इन इन्फेंट्स? बिल्कुल, आपने एकदम सही सवाल पूछा, क्योंकि अवेयरनेस का बहुत कमी है। अगर मैं बोलूँ बच्चों की ओरल हाइजीन के मामले में, लोगों को लगता है कि ये दूध के दांत तो गिरने ही हैं, तो इनके तरफ हम इतना ध्यान क्यों दें, मगर ऐसा नहीं है। हमारे दूध के दांत हमारे परमानेंट दांतों का फाउंडेशन है। अगर हमारे मिल्क टीथ अच्छे होंगे तो जेन्युइनली हमारे परमानेंट टीथ अच्छे ही होंगे। तो हमें बचपन से शुरू हो जाना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँगी, एक पार्ट होता है प्रीनेटल काउंसलिंग, जो हम मदर्स जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं उनको भी काउंसिल करते हैं कि कैसे वो अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करें, ताकि आने वाले बच्चे की हाइजीन अच्छी रहे, क्योंकि मदर से बच्चे को बहुत ज़्यादा कैविटीज ट्रांसफ़र हो सकती है। कैविटीज से मेरा मतलब है माइक्रोब्स, क्योंकि एग्जैक्टली इट्स नॉट अ ट्रांसफ़र ऑफ कैविटी, बट जो माइक्रोब्स माँ के मुँह में है, अगर उनका माइक्रोबियल लोड ज़्यादा है तो वो बच्चे में आसानी से जाएगा। तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी पार्ट है, प्रिवेंशन करना सबसे ज़रूरी है। तो बच्चा अगर इन्फेंट है जिसके मुंह में भी दांत नहीं निकले हैं, तो हम उनके गम पैड्स को फिंगर में गौज पीस, साफ गौज पीस रैप करके, जो थोड़ा गीला हो, उसको बच्चे को अपने लैप पे लिटा के उससे हम उसके गम पैड्स को आराम से क्लीन कर सकते हैं सर्कुलर मोशन में। और उसके जो बॉटल फीडिंग हैबिट्स हैं, या फिर वो ब्रेस्ट फीड लेता है, जो भी है, दूध पीने के बाद हमें ये सफाई कर लेनी चाहिए जब भी बच्चा लेता है। और हमें फर्स्ट डेंटल विजिट ज़रूर करानी चाहिए अपने बच्चे की, जब से उसका पहला दांत निकले उससे 6 महीने के अंदर अंदर, और नहीं तो 1 साल की उम्र तक ज़रूर एक बार हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए।
और इसी तरीके से जब बच्चे का पहला दूध का दांत निकलता है तो हमारे मार्केट में बहुत सारे सॉफ्ट ब्रशेज अवेलेबल हैं बच्चों के लिए, छोटे हेड वाले, उनको हम ले सकते हैं और बिना पेस्ट लगाए, पेस्ट हमें नहीं लगाना होता है जब तक बच्चा 4-4.5 साल का ना हो जाए, वो इसलिए क्योंकि बच्चे के स्पिटिंग रिफ्लेक्सेस इतने बने नहीं होते हैं, तो बच्चा आप कह नहीं सकते कि ज़रूरी है सारा थूक दे और अंदर ले जाना उसके लिए हार्मफुल हो सकता है, इसलिए 4-4.5 साल से पहले बच्चे को पेस्ट नहीं लगाना है, सिर्फ ब्रश को अच्छे से गीला करके आप उससे गोल गोल सर्कुलर मोशन में उनके दांत साफ कर सकते हैं। जैसा कि मैम आपने अभी बताया कि दूध के दांतों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, एक एज भी आपने बताई कि 6 मंथ से बच्चे को डेंटिस्ट के पास ले जाना चाहिए 1 साल के अंदर, लेकिन जब बच्चे के दांत निकलने शुरू होते हैं 6 मंथ के बाद ही शुरू होते हैं तो अक्सर देखा जाता है बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, मतलब काफ़ी वो परेशान होता है, तो एक पेरेंट्स होने के नाते मतलब पेरेंट्स को क्या कुछ करना चाहिए अपने बच्चे के लिए? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि दांत निकलने से एक बच्चे के चिड़चिड़े होने में, या कुछ लोग बोलते हैं उसको फीवर आ जाता है और उल्टी भी हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, ये चीज़ें रिलेटेड नहीं है, ऐसा कोई कोरिलेशन स्थापित नहीं हुआ है, तो इसलिए ये चीज़ इससे रिलेटेड नहीं है, मगर ये ज़रूर होता है कि जब बच्चे के दांत निकल रहे हैं तो उनके मसूड़े खुले हुए होते हैं, तो बच्चा जनरली क्या है कुछ भी उठा के मुंह में डालने की टेंडेंसी रखते हैं, तो वो गंदगी डायरेक्टली उनके ब्लड स्ट्रीम में जा सकती है जो इन चीज़ों को कॉज कर सकती है अगर हम ध्यान ना दे पाए उतना, तो इसलिए इनसे रिलेशन नहीं है, दांत निकलने से नहीं आपका बच्चा इन सारी चीज़ों में जाता है कि उसको डायरिया वॉमिटिंग हो जाए, वो ज़रूर ही चिड़चिड़ा हो जाए, उसको फीवर हो, मगर अगर आप ध्यान से ओरल हाइजीन मेंटेन रखेंगे तो ये सब नहीं होगा। अगर बच्चा हो रहा है, हाँ ये ज़रूर होता है कि गम्स पे जो रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, उसके लिए आप बच्चे को ठंडी चीज़, ठंडा गॉज पीस लगा के वहाँ पे उसको आराम मिल सकता है, ये आप कर सकते हैं, एंड आप नेचुरल जैसे कैरेट्स हो गए, कुकुम्बर हो गए, ये चीज़ें हम बच्चे को देते रह सकते हैं ताकि उससे उनके गम्स जल्दी से खुल जाए और उनका दांत आराम से बाहर आ पाए। बच्चे को सिर्फ सिंपथी, मतलब उसको आप एम्पैथेटिक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बोलना ही है कि बेटा दांत निकल रहा है तो आपको ये होगा ही होगा, ऐसा नहीं है, आप उसको ध्यान से समझाइए कि हम सब ने ये सब किया है और बच्चा और बहुत भी छोटा है, तो आप उसको बस कोल्ड थेरेपी देते रह सकते हैं, एंड ऐसा नहीं है कि बच्चा ज़रूर ही चिड़चिड़ा होगा, ये चीज़ रिलेटेड नहीं है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, आजकल गर्ल्स बहुत कॉन्शियस होती हैं हर चीज़ को लेके, अपनी स्माइल को लेकर, ड्रेसिंग को लेकर, हर चीज़, तो एक गर्ल्स का हमेशा होता है कि वो स्माइल करें तो वो अच्छी दिखेंगी, तो क्या दांतों का मतलब रोल तो होता है स्माइल के लिए, लेकिन वो आर्टिफिशियल चीज़ें भी कुछ यूज़ करती हैं क्या, आपके क्या राय है? आजकल आपने देखा होगा काफ़ी फिल्म स्टार्स हैं, काफ़ी मॉडल्स हैं जो अपनी स्माइल्स को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हैं कि उनकी स्माइल बहुत अच्छी होनी चाहिए, सारे दांत बिल्कुल अलाइन होने चाहिए, तो आजकल बहुत सारी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं उन सब लोगों के लिए जिनको ये लगता है कि उनको अगर अपनी स्माइल अच्छी करनी है तो हम उनको विनियर्स दे सकते हैं, क्राउन्स दे सकते हैं, ब्रिजेस दे सकते हैं, काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी, जिनके होने के बाद अब किसी भी तरीके की जो स्माइल है जिसको इम्प्रूव करना पॉसिबल है। मैम जिस तरह से आज के टाइम में देखा जाए बॉयज़ जो होते हैं मोस्टली बॉयज़ स्मोक करते हैं जिसकी वजह से स्टेन्स भी आ जाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए स्टेन्स अलग अलग तरीके से कॉज हो सकते हैं और स्मोकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपने बोला यूजली स्मोकिंग हेल्थ के लिए भी बहुत गलत है, सो ये सब जानते हुए भी हम सब वो कर रहे हैं, तो स्मोकिंग सर्टनली आपके स्टेन्स पे ऐड करेगा, स्मोकिंग अगर आप बंद कर दें तो इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है, मगर कम ज़रूर कर दें क्योंकि ओवरऑल वो आपकी हेल्थ को ख़राब ही करेगा, और दांतों पे भी वो एक फिल्म बना देता है, दांत काले काले दिखने लगते हैं उसके ऊपर, फिर और आसानी से और प्लाक जम जाता है, तो आप फिर और ओरल हाइजीन ख़राब की तरफ चलने लग जाते हैं, सो इसलिए बेटर है कि स्मोकिंग आप बिल्कुल बंद कर दें, स्मोक बंद करके एंड रेगुलरली हमें अपनी स्केलिंग करानी होती है डेंटिस्ट से, सबको पता है कि हर 6 महीने में हमें एक बार अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए रेगुलर चेकअप और दांतों की सफाई के लिए, अगर हम ये सब फॉलो करेंगे तो हमारे स्टेन्स कभी डेवलप नहीं होंगे और वो चिपक नहीं जाएंगे दांत से, तो दांतों का कलर जैसा हमारा है वैसा ही बना रहेगा, ना वो येलो की तरफ जाएंगे, और जो और भी चीज़ें हैं जैसे कॉफ़ी है, टी है, ये भी बहुत स्टेन्स कॉज करते हैं, इंडियन फूड में टर्मरिक बहुत यूज़ होता है, तो हल्दी भी एक स्टेन कॉजिंग है सब्सटेंस, तो ये चीज़ें हम थोड़ा कम रखें ताकि स्टेनिंग ना हो,
और हम 6-6 महीने में रेगुलरली अगर क्लीनिंग कराएंगे तो हमारे दांतों में स्टेन नहीं होगा। आपने अभी क्लीनिंग की बात ही कही है, अक्सर होता है हमारे पेरेंट्स, यूजुअली मेरे भी पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर 6 महीने पे कराओगे तो दांत हिल जाएंगे, हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी दांतों की, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा सही में है कि 6 महीने पे हम कराएं तो दांत हिल जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा, क्योंकि लोगों को, ज़्यादातर लोगों को, आपने बिल्कुल सही बोला, ज़्यादातर लोगों को ये गलत फहमी है कि अगर हम स्केलिंग कराते हैं तो हमारे दांत हिल जाएंगे या उनकी हेल्थ और ख़राब हो जाएगी। पर इनफैक्ट मैं बोलना चाहूँगी, अगर ऐसा होता तो सब डेंटिस्ट के दांत सबसे पहले झड़ जाते, क्योंकि हम लोग तो हर 6 महीने में अपनी स्केलिंग कराते ही कराते, और यही एक डिफरेंस है एक डेंटिस्ट में और किसी भी और इंसान में, बिकॉज स्केलिंग कराने से ही हमारी हेल्थ दांतों की बनी रहेगी, क्योंकि हम जितना भी अच्छा ब्रश कर ले, एक अच्छे तरीके से ब्रश करने में हमें 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, मगर आज के टाइम में इतनी भागा दौड़ी है कि लोग उतना टाइम दे ही नहीं पाते हैं, तो उतनी जल्दी से हमारे दांत साफ नहीं हो सकते, और आप बहुत अच्छा ब्रश भी कर ले, स्टिल हमारे दांत हम खाली ब्रश से पूरी तरीके से साफ नहीं कर सकते, क्योंकि दांतों की शेप ही इतनी कॉम्प्लेक्स है, तो खाना फंसता ही फंसता है। उस खाने को अगर हम टाइमली 6-6 महीने में प्रोफेशनली निकलवाते रहे तो हमारे दांतों में कोई और गम प्रॉब्लम या कोई कैविटीज या और कोई फर्दर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो हम सिर्फ स्केलिंग करने से ही इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, सिर्फ ब्रश करना सफिशिएंट नहीं है। सर, व्हाट आर कॉजेज ऑफ बैड ब्रेथ और हाउ वी कैन क्योर इट? हम देखिए, बहुत सारे रीजंस होते हैं बैड ब्रेथ के, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आप लोग स्केलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, कई लोग होते हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में स्केलिंग कराई नहीं होती है, तो अगर किसी के भी मसूड़ों में बहुत सारा खाना बहुत सालों से फंसा हुआ है तो वहाँ पर जितने भी आपके गम्स हैं उसमें इन्फ्लेमेशन होगी। अगर इन्फ्लेमेशन है किसी भी जगह पे मुंह में तो वहाँ से बैड ब्रेथ आएगी ही आएगी। तो उसको क्योर करने के लिए, जैसे कि अभी आप लोगों ने डिस्कस किया कि आपको स्केलिंग हर 6 महीने में कराना ज़रूरी है, और जैसे कि आप बात कर रहे थे कि लोग कहते हैं कि दांत हिल जाते हैं, तो लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी स्केलिंग नहीं कराई है। तो जब ऐसे लोग जिन्होंने कभी ज़िंदगी में स्केलिंग नहीं कराई और जिनके मुँह में बहुत मोटी परत जमी हुई है, जब वो लोग पहली बार अपनी सफाई कराते हैं दांतों की, तो वो सारी परत हट जाती है, और जहाँ पे एक्चुअली में मसूड़ों को होना चाहिए वो नहीं होते हैं, क्योंकि वो जगह जो मसूड़ों को होना चाहिए था वो उस खाने की परत ने ऑक्यूपाई करी। तो जब वो हटती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि दांत हिल रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता होता कि वो हटने के बाद ही आपके मसूड़े वापस अपनी जगह पर आएंगे और दांत जो हिल रहे हैं वो हिलना बंद होंगे। मैम, रूट कैनाल क्या होता है? अक्सर होता है रूट कैनाल के नाम से ही लोगों के अंदर डर बैठ जाता है। बिल्कुल आपने सही बोला, रूट कैनाल सुन के बहुत लोग डर जाते हैं। अगर मैं किसी को बोलती हूँ, सबसे पहला रिएक्शन, नहीं रूट कैनाल नहीं कराना है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि रूट कैनाल पेन से एसोसिएटेड है, मगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट है जो आपको पेन से, मैं बोलूँगी कि निजात दिलाएगा, क्योंकि अगर आपके दांत में पेन है तो यूजुअली क्या होता है कि हमारी जो डीके है दांत की, वो नस तक पहुँच चुकी होती है। दांतों के सबसे बीचों बीच हमारी डेंटल पल्प होती है जिसमें हमारे नर्व्स और ब्लड वेसल्स होते हैं। अगर हमारा डीके चलते चलते नर्व तक पहुंच गया है तो यूजुअली लोगों को दांत में दर्द होता है, जो दांत का दर्द है, और उस वक्त हम सिर्फ एक फिलिंग करके दांत को बचा नहीं सकते हैं, तो हमें उस नर्व को निकालना पड़ता है, क्योंकि नर्व रिपेयर्ड लेवल से बियॉन्ड खराब हो चुकी है, तो उसको फिर निकालना पड़ता है, जो कि एक रूट कैनाल का प्रोसीजर है। तो रूट कैनाल में हमारा मतलब है कि जो हमारे दांतों की रूट्स हैं उसके बीचों बीच जो सेंट्रल कैनाल है उसको खाली कर दिया जाता है वहां तक पहुंच के, और उसमें पूरी फिलिंग कर दी जाती है, तो दांत पूरा अंदर से नीचे से ऊपर तक फिल्ड हो जाता है। दिस इज व्हाट इज रूट कैनाल। मगर रूट कैनाल लोकल एनेस्थीसिया के कवर के अंडर किया जाता है, इस वजह से उसमें दर्द नहीं होता है। और अगर हम टाइमली अपने डेंटिस्ट के पास चले जाए, जैसे जब पहली बार आपको लगा कि कोई कैविटी हुई है तब आप दिखा लीजिए, या फिर पहली बार दर्द का एपिसोड हुआ है तो ही आप दिखा लें, तो रूट कैनाल बिल्कुल भी पेनलेस, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होती है, मैं बोलूँगी एकदम पेनलेस प्रोसीजर होता है वो। What are dental implants? Is the procedure painful? Dental implants भी बिल्कुल सिमिलर एक प्रोसीजर है, क्योंकि डेंटल का कोई भी प्रोसीजर हम बिना एनेस्थीसिया के नहीं करते हैं, और ये तो एक बहुत टिपिकल प्रोसीजर हो गया जो बिना एनेस्थीसिया के हो ही नहीं सकता। बट लोगों को, काफ़ी लोग एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से अपना एक फ्रेम ऑफ माइंड बना लेते हैं कि अगर हम इम्प्लांट कराएंगे तो पेन होगा, इम्प्लांट में ये हो जाता है वो हो जाता है, तो ऐसा इम्प्लांट में कुछ नहीं होता है। जब तक इम्प्लांट नहीं होते थे तब तक लोग अपने दांत फिक्स तरीके से रिप्लेस करा ही नहीं पाते थे,
तो मैं हर एक उस इंसान को बताना चाहूँगा कि जिसको भी लगता है कि डेंटल इम्प्लांट्स बिल्कुल एक पेनफुल प्रोसीजर है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चे भी अपने दांतों में डेंटल इम्प्लांट्स कराते हैं, बूढ़े लोग, मेरी एज के लोग, आपकी एज के लोग, सबके लिए इम्प्लांट्स एक बहुत फिजिबल प्रोसीजर है जो सबको कराना चाहिए अगर उनके मिसिंग दांत हैं। क्योंकि पहले जब इम्प्लांट्स नहीं होते थे तो लोग ब्रिजेस लगवाते थे जिसमें हमें एक आगे और एक पीछे वाले दांत को छोटा करना पड़ता था और उसके ऊपर हमें ब्रिज देना पड़ता था। बट डेंटल इम्प्लांट एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पे आपका मिसिंग दांत है सीधा वहीं पे आपका डेंटल इम्प्लांट लग जाएगा और आगे और पीछे वाले दांत को एकदम टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैम अक्सर देखा जाता है अगर लोगों के दांत में हल्का सा भी क्रैक आ जाते हैं, मतलब टूट जाता है, तो लोग कैपिंग कराना चाहते हैं, लेकिन लोगों के मन में ये भी भ्रम होता है कि नहीं कैपिंग नहीं कराएंगे, वो तो कुछ टाइम बाद निकल ही जाएगी। तो ऐसा होता है सही में कि कैपिंग कराने के वो कुछ टाइम बाद निकल जाती है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कैपिंग तब निकलती है जब हमारा खाना फंसता रहता है, जो कि रेगुलर हर टाइम फंसता ही है। मैंने अभी अभी आपको बताया, खाना रेगुलर बेसिस पे हमारे दांतों के बीच में जाएगा ही, उसी तरीके से वो कैप के बीच में भी जाएगा। मगर अगर हम क्लीनिंग नहीं कराते हैं तो वहाँ पे जो खाना फंस जाता है ना, वो खाना पड़े पड़े गलता है, सड़ता है और एसिड बनाता है। तो वो एसिड जिस तरह से उसने हमारे दांत को कभी गलाया होगा और दांत टूटा होगा या कैविटी हुई होगी, उसी तरीके से वो सीमेंट को भी खा सकता है, गला सकता है। तो जैसे ही हमारा सीमेंट खत्म हो जाता है, हमारा कैप बाहर निकल आता है। तो ये रीजन होता है। अगर हम रेगुलरली अपनी क्लीनिंग्स कराएं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, हर 6 महीने में ये जरूरी है, तो फिर ये चीजें नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कैप्स निकलेंगी ही निकलेंगी, दे आर ऑलवेज परमानेंट। मेरा क्वेश्चन ये आप दोनों से ही है। कोरोना का समय चला था, लास्ट ईयर बहुत कोरोना था, और डेंटिस्ट का तो होता ही है कि पेशेंट से डायरेक्ट माउथ से ही कांटेक्ट होता है, और माउथ, आईज और नोज से ही कोरोना फैलता। तो आपने उस टाइम पे कैसे, क्या कुछ प्रिकॉशन लिया, कैसे लोगों को ट्रीट किया? बिल्कुल, आपने एकदम सही सवाल किया, क्योंकि अभी तक भी हम उस कोरोना से बाहर नहीं निकल पाए हैं। जब भी कोरोना आया था तो आपने जैसे बोला, आँख कान नाक से तो बहुत जल्दी वो अंदर बॉडी में चला जाता है। सो एज अ डेंटिस्ट बहुत बड़ा चैलेंज था कि अब हम काम कैसे करें। तो हम सब ने भी पूरी डेंटल फ्रेटर्निटी में यही थॉट्स थे कि कैसे काम होगा। तो काम तब तक के लिए बंद किया गया जब तक हम सब ने पूरा इस चीज़ के लिए रिसर्च नहीं किया कि क्या बेस्ट पॉसिबल वे है कि हम अपने सारे मरीजों को डेंटल ट्रीटमेंट भी दे पाए बिना रिस्क फैक्टर पे जाए। तो उस वक्त जब तक हमारा काम बंद था, दुनिया भर के डेंटिस्ट इसी काम में लगे थे, और उन्होंने धीरे धीरे मेथड्स डेवलप किए और ये चीज़ों को समझा कि किस तरीके से कोरोना से अपना भी बचाव करते हुए हम डेंटल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यूज़ ऑफ डबल मास्क, N95 मास्क, और पेशेंट्स का भी पूरा सैनिटाइजेशन करना, और हर पेशेंट के बीच में गैप देना। जिस ऑपरेटरी में पेशेंट का काम हो रहा है वहाँ पर हमारे पास ऐसे एयर फिल्टर्स लगाने हैं, ऐसे एग्जॉस्ट लगाने हैं, और ये सारी चीज़ों का एग्जैक्ट यूज करके हर पेशेंट पे थरू टाइम देके, मतलब हम पहले की तरह बैक टू बैक पेशेंट्स नहीं कर सकते, हमें गैप देना ही होगा। बिकॉज ऑपरेटरी में जो भी एरोसोल्स हैं, जब तक वो पूरे बाहर नहीं निकल जाएंगे अगले पेशेंट को हम नहीं बुला सकते। तो इस तरीके से फॉलो करते हुए हम डेंटल ट्रीटमेंट कैरी फॉरवर्ड करने लगे हैं, और आई थिंक अब सब डेंटिस्ट वापस से काम करने लगे। इनफैक्ट अब तो सारी दुनिया बैक टू रूटीन हो गई है, क्योंकि कब तक कोई भी बैठ सकते हैं, ये ज़रूरी है। सर आप बताएं इस बारे में। मैम देखिए, जब से कोरोना आया है तब से काफ़ी सारी चीज़ें डिसाइड की गई थी हमारी डेंटल काउंसिल के द्वारा भी, और बाकी डॉक्टर्स जिन्होंने आपस में डिसीजंस लिए, सब कुछ प्रिपेयर किया। तो पेशेंट के क्लिनिक के अंदर आने से लेके जाने तक काफ़ी सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट की गई थी। जैसे पेशेंट को आते ही पहले हैंड सैनिटाइज़र दिया जा रहा था, उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा था, पल्स चेक किया जा रहा था, हेड कैप दी जा रही थी, एप्रन दिया जा रहा था, शू कवर्स दिए जा रहे थे, ग्लव्स। ये सब होने के बाद, पेशेंट के आने के बाद, चेयर पे बिठाने के बाद, पेशेंट का माउथ वॉश करने के लिए उसको माउथ वॉश दिया जा रहा था। पूरे टाइम में कोरोना के जितनी भी डेंटल चेयर्स हमारे पास हैं उसमें स्पिट करना अलाउड नहीं था। हमने अपना स्पिटून बिल्कुल बंद रखा था ताकि किसी भी तरीके से कोई इन्फेक्शन ना फैल सके। बाकी हर ऑपरेटरी में हर डेंटल चेयर के पास एक एग्जॉस्ट लगाया हुआ है, उसके साथ साथ हर ऑपरेटरी में एक एयर प्यूरिफायर लगाया हुआ है। बेसिकली हमें जो एक ही चीज़ प्रिवेंट करनी थी वो था एरोसॉल। जब हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं जिसमें किसी भी तरीके का स्प्लैटर उड़ता है मुंह से, तो वो एरोसॉल कहलाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो जो चीज़ें, रबर डैम यूज़ करना, या जितना कम से कम कोई भी ऐसा प्रोसीजर करना जिसमें एरोसॉल
जनरेट हो। तो ये सारी चीज़ें हमने फॉलो करी। उसके बाद पेशेंट का मैंडेटरी एक कोविड का फॉर्म होता था जो पेशेंट भरता है, अभी तक भी वो सब चल रहा है। और उसके अलावा पेशेंट के जाने के बाद जितनी भी चीज़ें पेशेंट को पहनाई हैं वो अच्छे से डिस्पोज ऑफ करना, ये सारी चीज़ें करते हुए पूरा कोरोना का टाइम हमने निकाला है और अभी तक निकाल रहे हैं। मैम जैसे आजकल देखते हैं हम लोगों के टीथ की शेप अलग अलग होती है, किसी की कैसी होती है और गैप्स बहुत होता है किसी किसी के, तो लोग अक्सर चाहते हैं कि हमारी शेप ठीक हो जाए, गैप जो है वो फिल हो जाए, तो क्या इस चीज़ का हमें स्टार्टिंग मतलब बचपन से ही ध्यान रखना चाहिए या ये पहले से मतलब बाद में भी हो सकती है? दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं। अगर आप बचपन से ध्यान दे देंगे तो वो चीज़ एकदम परफेक्शन की तरह होती है और वो मेंटेन रहती है थ्रू आउट योर लाइफ। अगर गैप ज़्यादा है या कम है, डिपेंडिंग ऑन दैट हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट पॉसिबल है, रिमूवेबल अप्लाइंसेस भी होते हैं, फिक्स्ड ऑर्थोडॉन्टिक ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। और जैसे आपने बोला शेप के बारे में, शेप एक ऐसी चीज़ है जिसको हम एज सच बिना किसी इंटरवेंशन के तो चेंज नहीं कर सकते, वो एक बार बन गई तो बन गई। तो इसलिए उसके लिए हम क्राउन्स और वेनियर्स की तरफ जा सकते हैं, जो स्माइल डिज़ाइनिंग की बात हुई। और जहाँ तक गैप्स की बात है या क्राउडिंग की बात है, ये सारी चीज़ें ऑर्थोडॉन्टिस्ट हमारे देखकर क्या ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट्स को समझा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें ट्रीटेबल है अर्ली एज में भी, और अगर वो एज निकल गई है और तब आप अवेयर नहीं थे तो आप बाद में भी आपके पास ऑप्शंस हैं जिसके ज़रिए आप ये चीज़ें कवर करा सकते हैं। मगर ये ज़रूरी है, अगर आप छोड़ देंगे तो अल्टीमेटली आपकी हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो सकती है, और वही चीज़ें हैं जो बाद में जाके आपको गम प्रॉब्लम्स करेगी या कैविटीज़ करेगी। तो इसलिए परफेक्ट अलाइनमेंट हमेशा ज़रूरी होता है। मेरा ये क्वेश्चन भी आप दोनों से ही है कि आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने दांतों को बहुत हेल्दी रखना चाहिए और लोग अवेयर भी नहीं है इस बारे में, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताएं कि किस तरह से हम अपने टीथ को हेल्दी रख सकते हैं और क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा और आप तब से एकदम एप्ट सवाल ही पूछ रहे, मैं बोलूँगी ये ज़रूरी है बिकॉज अवेयरनेस कम है हमारे इंडिया में, पहले से बहुत बेटर भी हुई है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि पुराने समय से जो चल रहा है वो अब भी चलता है, लोग जेन्युइनली अब बहुत हैं जो आके पूछना चाहते हैं, क्वेश्चंस करते हैं हमसे कि ओके हमें क्या करना चाहिए कि हमारी हाइजीन और बेटर हो सके, तो वो सब हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला, बचपन से ये चीज़ की शुरुआत हो जानी चाहिए, तो हम प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस करें, इसलिए नहीं कि हमें आगे जाके पहले बीमारी हो और तब हम उसका ट्रीटमेंट लेने जाएं किसी डेंटिस्ट पे। हम चाहें तो हम वो बीमारी तक नहीं भी पहुंच सकते हैं, और उसी के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ अपने दांतों की और मुंह की सफाई अच्छे से करनी है। सो उसमें हमारा आ जाता है कि हम ठीक तरीके से ब्रश करें, बचपन से दिन में दो बार करना बहुत ज़रूरी है, सुबह नाश्ते के बाद हम कर सकते हैं, रात को डिनर के बाद, ताकि ये दो खाना हम अच्छे से ब्रश करके अपने मुंह से निकाल पाएं। एंड बीच में जो हम दिन में लंच करते हैं या कोई स्नैकिंग कर रहे हैं या कोई भी ड्रिंक्स ले रहे हैं पानी छोड़ के, तो उस वक्त हम इमीडिएटली कुल्ला कर सकते हैं। एंड ऑफकोर्स अगर आपने कोई हॉट टेम्परेचर वाला खाना लिया है तो ऐसा नहीं कि आप ठंडे पानी से कुल्ला करें, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप थोड़ा ल्यूकवॉर्म वाटर लें, बिकॉज थर्मल एक्सपेंशन का जो कोफिशेंट होता है हमारे इनेमल का और डेंटिन का, वो भी अलग है। इन दो परतों के डिफरेंस की वजह से अगर हम गर्म खाते ही सीधा ठंडे से कुल्ला करेंगे तो भी हमारे दांतों में आगे जाके क्रैक्स जाएंगे। तो इसीलिए ल्यूकवॉर्म वाटर लेके हम हर खाने के बाद रिंसेस कर सकते हैं, और रिंसिंग पे फोकस पूरा करना है। खाना खाते ही कोशिश करिए हम पहले दांत से कुल्ला करें, एंड हर 6 महीने में रेगुलर बेसिस पे हम अपने दांतों की प्रोफेशनली सफाई कराएं, जिसे स्केलिंग कहा जाता है। अगर हम ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो हमें कोई डेंटल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सर आपके देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अवेयरनेस पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। पहले क्या होता था कि किसी के दांत में दर्द होता था तो जाके दांत निकलवा देते थे। गाँव की तरफ जाएंगे तो अभी भी लोगों की वही मेंटालिटी है, लेकिन मैं उन सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आजकल किसी भी तरीके के दांत की दर्द के लिए हमारे पास इलाज है, जिसमें आपके दांत को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले क्या होता था कि लोग कोई दांत में दर्द लेके आता है तो सिर्फ उस पर्टिकुलर एक दर्द को करवा के उसके बाद उनको लगता है उनके दांतों में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जितनी भी चीज़ें उनको और बताई जाती हैं कि आपके दांतों में ये सब खराब है, उस चीज़ के ऊपर ध्यान ना देते हुए सिर्फ उसी चीज़ पर ध्यान दे के कि मेरे दांत में जिसमें दर्द है आप उसको ठीक कर दीजिए, बाकी जब मेरे दांत में दोबारा दर्द होगा उसके बाद मैं आपके पास फिर आ जाऊंगा। तो ये वाली सोच जो है ये बहुत गलत है। अगर आप
एक डेंटिस्ट के पास जाते हैं, आपको जो जो चीज़ें बताई जाती हैं कि आपके मुंह में ये सब प्रॉब्लम्स हैं, आप उन सब प्रॉब्लम्स को उसी टाइम पे ट्रीट कराइए। अगर आपको बताया जाता है कि आपके दांतों में फिलिंग्स हैं जो होनी है, आप उसी टाइम पे कराइए ताकि वो फिलिंग्स एक ऐसी स्टेज पे ना पहुंच जाएं कि आपको रूट केनाल कराना पड़े, रूट केनाल करा के कैप लगवाना पड़े। तो अगर हम खर्चे की भी बात करें, आप अपना खर्चा भी बढ़ा रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम भी बढ़ा रहे हैं, अपनी विजिट्स भी बढ़ा रहे हैं। जो काम 5 मिनट की एक फिलिंग से हो सकता है, जब आपको सही टाइम पे बताई गई है आपको वो करा लेना चाहिए। अगर आप नहीं कराते हैं तो आपको 1.5 से 2 घंटे की विज़िट देनी पड़ेगी, जिसको रूट केनाल प्रोसीजर में टाइम लगता है। उसके बाद एक अगली विज़िट आपको कैप के लिए देनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर 6 महीने में डेंटल विज़िट आपके लिए मस्त है, और उसी विज़िट में आपकी टीथ क्लीनिंग कराना मस्त है। अगर आप ये कराते रहेंगे तो आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मैम, क्लीनिंग और स्केलिंग और रूट केनाल का प्राइस क्या है? क्योंकि अक्सर होता है प्राइस हाई होते हैं, इस वजह से भी लोग पीछे हटते हैं कि नहीं इतना महंगा है, हम क्यों वेस्ट करें पैसा। देखिए, प्राइसेस हर डेंटिस्ट का सेम नहीं हो सकता है, और ये हर प्रोसीजर के लिए, मैं ये नहीं बोलूँगी ये सिर्फ डेंटिस्ट्री में, आई एम श्योर ये हर फील्ड में है कि हर इंसान सेम प्राइस नहीं रख सकता है। और वो इसीलिए होगा कि जो आपके लिए कर रहे हैं वो किस लेवल के स्पेशलिस्ट हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है, उन्होंने जिस तरह से काम किया, क्या आपने आराम से भी वो काम कराया, क्या उन्होंने आपको आगे ये प्रॉब्लम ना हो वो भी आपको गाइड किया, तो ये हर चीज़ मैटर करती है। सो, एक रूट कैनाल का खर्चा और फिलिंग का खर्चा जनरली 500 से 1000 एक फिलिंग में लग सकता है, डिपेंडिंग कि कितना डीप कैविटी फिलिंग हो रहा है। और रूट कैनाल जनरली 4 से 5 हज़ार से 6 हज़ार, डिपेंडिंग, अगर मैंने वही बोला कि डॉक्टर टू डॉक्टर पर होता है, सो दैट्स कॉमन। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर गीतिमा और विक्रम खन्ना, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया को समय देने के लिए। तो आज के लिए बस डॉक्टर स्पेशल में बस इतना ही, लेकिन और खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।